बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और यमकेश्वर से विधायक रितु खंडूरी हल्द्वानी पहुंची, जहां उन्होंने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए कहा कि कोरोना के समय में सेवा ही संगठन का उद्देश्य है, जिसके तहत महिला मोर्चा ने बहुत काम किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी महिला मोर्चा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रही है। बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर तक महिला मोर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच जा रही है। राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना मोर्चा का लक्ष्य है। वहीं विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट दिए जाने के सवाल पर रितु खंडूरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 50% महिलाओं को टिकट दिया जाना चाहिए, जिसकी वह पुरजोर तरीके से राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के समक्ष पैरवी करेंगी। देखिए, चुनाव को लेकर हमारा जो संगठन है, महिला मोर्चा को जो संगठन है, वो लगातार जमीन पे रहता है, प्रदेश की जनता के बीच में रहता है, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे वो इस वक्त कोरोना के कारण हम जनता के बीच में थे, तो अभी भी आगे भी हमारी बहनों की कमर कसी हुई है। और अगले 6 महीने में हमने जो हमारे सरकार ने कार्य किए हैं, जो केंद्र की सरकार ने कार्य किए हैं, उनको हम बहुत ही बारीकी से अपनी जनता के बीच में ले जाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जबरदस्त बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी लौटेगी।